सो दोस्तों बात करें इसी डिवाइस के बारे में, Redmi 9 के बारे में। तो दोस्तों Redmi 9 ऑफिशियली पहले इसका चाइना में लॉन्च हो चुका है Redmi दूसरे के नाम से, जैसे Redmi 7C के नाम से इसको लॉन्च किया गया था। अभी उसी को रीब्रांड करके Redmi जो है यहाँ पर इंडिया में एज ए Redmi 9 करके लॉन्च कर रहा है। तो हो सकता है जो फीचर्स Redmi 7C के जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था और उसके और इसके जो Redmi 9 के जो आने वाला स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर, तो इन दोनों के फीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो हम बात कर लेते हैं इन्हीं फीचर्स के बारे में और क्या प्राइस हो सकती है, कितने वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन हमको देखने को मिल सकता है। सो शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं पहले डिस्प्ले को लेकर। सो दोस्तों डिस्प्ले आपको मिल सकती है एक 720p वाली डिस्प्ले, जो कि एक HD प्लस वाली एक रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले रहेगी। तो अगर इस प्राइस पॉइंट पर Xiaomi मुझको गलत ठहराता है, मेरी रिव्यू को गलत ठहराता है, 1080p वाला डिस्प्ले रहता है फुल HD प्लस वाला, तो बहुत ही कमाल का रहेगा। और जितने भी लोग 1080p का डिस्प्ले 10,000 के प्राइस पॉइंट के नीचे अगर मांग रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही डेफिनेटली एक वैल्यूएबल डील रहेगी डिस्प्ले के मामले। तो ऑब्वियसली एक IPS LCD स्क्रीन रहेगी, तो AMOLED का आप सोचना भी मत। तो Redmi जो प्रोवाइड करेगा IPS LCD स्क्रीन प्रोवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं एंड्रॉयड और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को लेकर। तो इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा एंड्रॉयड 10 के साथ, जो कि आपको MIUI 12, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ MIUI 12 करके, बिकॉज जो इसका जो बैनर्स जो लिस्ट हो रहे हैं Redmi Xiaomi इंडिया के ऊपर और Redmi इंडिया के ऊपर इसका बैनर्स जो लिस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्लियरली नीचे लिखा गया है कि MIUI 12, मतलब कि MIUI 12 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑलरेडी MIUI 12 के स्टेबल अपडेट्स जो है रोल आउट होना शुरू हो चुके हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये भी जो डिवाइस आने वाला है Redmi 9, तो आपको MIUI 12 के साथ देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ब्रांड जो हैं इस पॉइंट पर, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे जो स्विच हो चुके हैं MediaTek के हार्डवेयर के ऊपर। तो पहले क्या होता था कि आपको Qualcomm के स्नैपड्रैगन वाले हार्डवेयर मिल जाते थे, 439 625 वाले हार्डवेयर मिल जाते थे, लेकिन अभी जो है मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स इवन द Redmi आपको MediaTek के हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा है। Motorola से लेकर Infinix से लेकर Realme से लेकर Xiaomi तक जो है MediaTek के हार्डवेयर को स्विच कर रहे हैं। तो मान के चल सकते हो कि MediaTek का हार्डवेयर आने वाला है, ऐसा कोई फिक्स रूमर नहीं है कि इसके अंदर आपको कोई और पर्टिकुलर स्पेसिफिक हार्डवेयर मिलने वाला है। एज अ मेरी एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है कि Helio का G35 वाला हार्डवेयर ही आपको देखने को मिल सकता है। एज अ मेरी एक्सपेक्टेशन, ये कोई लीक नहीं है, मैं खुद से बता रहा हूँ। बाकी कंफर्म न्यूज़ के बारे में बात करें तो MediaTek का ही हार्डवेयर आपको देखने को मिल सकता है इस डिवाइस के अंदर। देन बात करें नेक्स्ट कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों Redmi 9 के अंदर आपको AI ड्यूअल कैमरा आपको देखने को मिल सकता है बैक में। देन अगर हम बात करें फ्रंट में, तो मैंने एक बात बताना भूल गया था कि आपको एक डॉट नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है 720p वाला HD प्लस वाला, तो डॉट नॉच मैं भूल गया था, तो अभी बता रहा हूँ। तो आपको डॉट नॉच आपको सिंगल फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है डॉट नॉच के डिस्प्ले के साथ। तो आपको सामने की तरफ आपको हो सकता है 8 मेगापिक्सल या फिर 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाए, ऐसा कोई फिक्स रूमर्स नहीं है, लेकिन एज अ मेरी एक्सपेक्टेशन 8 मेगापिक्सल सफिशियंट रहेगा, जो यहाँ पर Xiaomi सोच रहे हैं अपने हिसाब से। देन अगर हम बात करें रियर कैमरे के मेगापिक्सल के बारे में, तो 13+2 या फिर 13+5, ऑब्वियसली इन दोनों में से एक ही रहेगा। AI ड्यूअल कैमरा रहेगा, तो ऑब्वियसली आप AI का यूज़ करके जो है डिसेंट फोटोग्राफी इसके साथ कर सकते हो। देन बढ़ते हैं बैटरी के बारे में। सो दोस्तों बैटरी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया बैनर के अंदर, तो एक बहुत ही बड़ी मैसिव बैटरी आपको देखने मिल सकती है, जो कि हो सकती है 5000mAh की एक बैटरी। तो Xiaomi के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 5000mAh की बैटरी प्रोवाइड करना, तो ऑब्वियसली प्रोवाइड करेंगे, लेकिन दिक्कत वाली बात तब आती है कि जब ये अडाप्टर प्रोवाइड करते हैं। तो अडाप्टर हो सकता है कि आपको 10W का आपको प्रोवाइड किया जाए, अगर हो सकता है कि इसका हायर वेरिएंट जो कि आपको हायर वेरिएंट आपको मिला है मिल जाए इसका Redmi 9 का, तो उसके साथ ये जो 18W का अडाप्टर प्रोवाइड करें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि Xiaomi ऐसा करेगा, Redmi ऐसा करेगा, तो नाम बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो Redmi ऐसा करेगा मुझे पता नहीं। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि 10W का अडाप्टर ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा बॉक्स के अंदर। और देन बात करें टाइप सी आपको देखने मिलने वाला है, एक ड्यूअल सिम प्लस सेपरेट एसडी कार्ड का ऑप्शन वाला आपको, नो हाइब्रिड सिम सपोर्ट मिलने वाला है। देन बात करते हैं फाइनली वेरिएंट्स और प्राइसिंग को लेकर। तो दोस्तों वेरिएंट्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर फिर से उन्होंने नया टैगलाइन इस Redmi 9 के लिए लाए हैं, जो क्या आता है मोर रैम मोर स्टोरेज कैसे कुछ लाए हैं। तो यहाँ पर आप मान के चल सकते हो कि आपकी 2 से 3 वेरिएंट आपको देखने मिल सकते हैं। एज अ मेरे रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 4GB 6GB और 6GB और 3GB और वेरिएंट आपको देखने मिल सकता है, जो कि आपको 10,000 के प्राइस पॉइंट के नीचे से स्टार्ट हो सकता है। 9,000 में इसका 3GB स्टार्ट हो सकता है एज अ मेरे एक्सपेक्टेशन। देन इसका 4GB आपको 10,000 में पड़ेगा, और जो 11,000 में आपको 6GB का 64GB वेरिएंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज Redmi खुद क्लेम कर रहा है कि इसके अंदर आपको ज़्यादा रैम स्टोरेज मिलेगा। तो देख सकते हैं कि 332 या फिर 464 या फिर 664, इन तीनों में से आपको तीनों मिल सकते हैं एज अ मेरी एक्सपेक्टेशन।
देन हम फाइनली बात कर देते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो मैंने डिस्कस कर लिया थी और कब ये लॉन्च होने वाला है। तो इंडिया के अंदर ये ऑफिशियली 27 अगस्त को ये इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। जब ये लॉन्च होता है तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक स्टोरी मेंशन करूंगा मेरे इंस्टाग्राम पर, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, बिकॉज मैं जितने भी लीक्स और रूमर्स आपके सामने शो करता हूँ वो 95% सही रहते हैं, और जितने भी मैंने सर्च करे रहते हैं इसके बारे में तो कम्प्लीटली एक जेन्युइन बेसिस पे रहते हैं। जितने मैंने अभी फिलहाल हाल ही फिलहाल में वीडियोस बनाए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 95% ट्रू रहे। तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज जब ये लॉन्च होता है तो डेफिनेटली मैं स्टोरी डालूंगा कि बताऊंगा कि जितने मेरे मैंने यहाँ पर इस वीडियो में 5 मिनट के 6 मिनट की वीडियो में डिस्कस किया है इसके फीचर्स के बारे में, कितना सब कुछ सही रहा है मेरे वीडियो के अंदर। और आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, कि अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाइएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हो और चैनल पर मुझे ऐसी पहली बार देख रहे हो रिव्यू करते हुए स्मार्टफोन के बारे में बोलते हुए, सो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक और नेक्स्ट सेटिंग वीडियो में, टिल देन अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज की स्माइलिंग, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।